क्या ये बात सच है कि तुम्हारी शादी ट्विन से होने वाली थी? करेक्ट है, मेरे पिताजी जिद पर अड़ गए थे। अगर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे किस तरह के रिश्ते आए थे तो आप टॉक रह जाएंगे। ओह गॉड। मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है। हाँ? शिकार आ रहा है। हेलो। क्या बचपना है चोरा कहीं का। हेलो। इसको भी। सुनिए मिस्टर। आइए मुझे। अरे सॉरी सॉरी भाई। अरे माफ कर दूंगा तुझे। माफ कर। अरे जा रहे ना। हेलो। हाय माया। लड्डू अभी तुम फ्री हो या बिजी? फुल फ्री। लॉन्ग ड्राइव पे जाने वाले थे ना? भूख से मर रही हूँ। अगर तुम्हें ऑब्जेक्शन ना हो तो तुम्हें खा सकती हूँ। लड्डू तुम्हारे पिंक चीक्स ना बिल्कुल बर्गर जैसे लगते हैं। और ये नाक पकौड़े की याद दिलाती है। और तुम्हारे लिप्स, ये लिप्स नहीं पोटैटो चिप्स हैं। बहुत देर हो गई है, चलो अब चलते हैं। बाय बाय बाय। वो काउंटर खाली है, लाओ मुझे लो। मूर्ति ये चॉकलेट कहाँ से आई? उठा लिया। उठा ली तुमने? सुनो मूर्ति ये बिल्कुल गलत बात है। सुनो अगर भगवान चाहे तो किसी भी तरह तुम्हें चॉकलेट दिलवा कर रहेगा। लाओ मुझे दो, मैं बिल करता हूँ। देखा आपने मेरा फ्रेंड कितना अच्छा है। हाँ लेकिन तुम बहुत नॉटी हो। नॉटी बॉय, वेरी नॉटी। तू ऐसा नहीं मानेगा। मैं तुझे छोडूंगा नहीं। निकाल, अरे जल्दी निकाल। अगर नहीं अरे ये ले, ये ले शर्ट पर। अरे तुझे नंगा करके छोडूंगा। अरे पैंट छोड़। अरे अरे कैसे कैसे छोड़ दूंगा। अरे 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 छोड़ अरे छोड़ छोड़ ये ले। ये क्या किया तुमने? हाँ प्लीज कुछ खा लो ना। प्लीज प्लीज बेटा, जिंदगी में ऐसा होता रहता है। इट्स नॉट योर फॉल्ट मूर्ति। प्लीज मूर्ति खा लो ना प्लीज। जी सुनिए, आप मूर्ति को सुलाइए, मैं किचन का सारा काम कर लेता। रहने दो, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कर लूंगा। जरूरत नहीं। अरे कर लूंगा। सुनिए तो, मैंने बोला था ना आपको वो अच्छा फ्रेंड है। बिल्कुल है, चलो। हे ये फेस क्रीम नहीं है, आइसक्रीम है। इधर आओ। अब चले, लेट्स गो। हे हे, तुम ठीक तो हो? अरे गिर कैसे गए? तुम ठीक तो हो ना? लेट्स गो। कहाँ ले जा रहा है तू? चुपचाप मेरे साथ चलते रहो।
ये मम्मी की फेवरेट टेडी बियर है। स्कूल से लेके आज तक इतना सारा कलेक्शन है। हैप्पी मदर्स डे मम्मी। थैंक यू बेटा। हैप्पी मदर्स डे जी। थैंक यू लड्डू जी। अच्छा बताओ, इतना बड़ा टेडी बियर लाने के लिए पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आपके पर्स से लिया मम्मी। कितनी बार मना किया है तुमसे? मैंने सारे पैसे हिसाब से रखे हुए थे, अब लाइट का बिल कैसे भरूंगी बताओ तो मुझे। सॉरी मम्मी। हमेशा सॉरी बोल के बच जाते हो। अरे लड्डू जी, हाँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो एटीएम जाकर 5000 निकाल कर लाएंगे प्लीज। कोड है। सॉरी फॉर द ट्रबल। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चलता हूं। ओके बाय मूर्ति। थैंक यू, बाय। एटीएम कोड क्या है? नहीं बताऊंगी। इतनी बार पूछा मैंने, फिर भी आपने नहीं बताया। उसके बिना पूछे आपने बता दिया। तुम्हें बताऊंगी तो रोज मुझे इसी तरह से सरप्राइज देते रहोगे। मम्मी। मूर्ति। लड्डू मैं एक सेकंड में आ रही हूँ। एक्सक्यूज मी। अरे यार, यहाँ हाथी ने फ्लोर पे डांस क्या किया, वहाँ शहर में भूकंप आ गया। पर बिल्डिंग तो नहीं गिरी ना। अब समझा, शहर में दो दिन से पानी क्यों नहीं आया। दो दिन नहीं आएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ए, कोई इसको पूछ के देख तो जरा, इसने कभी अपने पैरों की शक्ल देखी है क्या? चांस ही नहीं है, ढोल जैसे पेट के आगे तो फ्लोर भी नहीं दिखने वाला। ए, उस आइसक्रीम पार्लर में तुम्ही ने पैर डालकर मुझे गिरा दिया था ना? हाँ मैं ही था, क्या कर लेगा बे? क्या कर रहे हो? स्टॉप इट। चलो गाइस। लड्डू 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 कहाँ जा रहा है? उस तरफ चलो, अच्छे से दिखेगा। यहाँ से देखो, हाँ सही दिखेगा। ठीक है। क्या मूर्ति, कबूतर गिन रहे हो? रोज रोज कबूतर कम हो रहे हैं लड्डू बाबू। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई तो कबूतरों को चुरा रहा है लड्डू बाबू। सच में? टोंकी झाड़ियों के पीछे छुपा है, अब देखो। क्या दिख रहा है भाई? मुझे भी देखना है, मुझे भी देखना है। देख है? देखा ना? देख लिया। बोला था तुझे कार में बैठ इडियट। लड्डू बाबू, अगले जन्म में तुम क्या बनना चाहोगे? अगले जन्म में मैं स्लिम ट्रिम बनना चाहूँगा। अगर गलती से छिपकली बन गए तो? छिपकली बनूं या फिर बिल्ली बनूं, बस मैं स्लिम ट्रिम बनना चाहूँगा। तुम बताओ, तुम क्या बनना चाहोगे? कबूतर। कबूतर? अब वो क्यों? क्योंकि सुपरमैन की तरह हवा में उड़ पाऊंगा, स्पाइडरमैन की तरह इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग पर कूदूंगा, जब चाहे तुम्हें तंग भी कर सकता हूँ। हाय भाभी। रंजीत, कल भैया की बरसी है तो अगर आपको कोई? सारी तैयारियां कर ली है, पंडित जी से बात भी हो गई है। मूर्ति, वन वाटर बॉटल प्लीज। थैंक यू। उधार चुकाता नहीं, पानी बटलवा से पिएगा। तोरी तो बॉटल से पिएगा, बॉटल से पिएगा। दे दे, निकाल निकाल। भाई लड्डू, मुझे अर्जेंटली यहाँ क्यों बुलाया? मिलने के लिए कोई वजह बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आओ मेरे साथ। हाँ श्योर। अब ये बताओ, तुम्हें अभी तक बॉडी पेन हो रहा है? क्यों नहीं होगा, धोबी की तरह बहुत मारा मुझे। आओ तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूंगी, लेट जाओ। हाँ हाँ। अरे ऐसे नहीं, पेट के बल। क्या हुआ?
कमऑन यार। एक बात बताऊं तुम्हें, लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे किसी लड़के ने टच किया इस तरह। व्हाट? तुमने किसी लड़की को टच किया है? अभी तक तो नहीं। यानी कि तुम वर्जिन हो? लड्डू, तुम सच में वर्जिन हो? 100%। ऐसे कैसे? अपनी फ्यूचर वाइफ को चीट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अपनी पवित्रता बना के रखी है अभी तक। सच में तुम अभी तक वर्जिन हो, विश्वास नहीं होता। मैं तुम्हें सही मौका बताऊंगी जब तुम अपनी वर्जिनिटी लूज कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम मेरे साथ शादी करने के लिए ओके हो? अगर तुम ओके हो तो मैं भी ओके ही हूँ। अच्छा, कितने नॉटी हो, कितने नॉटी हो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मूर, हैप्पी बर्थडे मूर्ति। और मेरा केक। हाय अंकल। हैप्पी बर्थडे मूर्ति। थैंक यू अंकल। ये लो। क्या है इसमें अंकल? अरे छोड़ो भी, खुद देखो। प्लीज अंकल बताओ ना। अरे ये सरप्राइज है। मैं देखती हूँ, मूर्ति के फ्रेंड्स आए होंगे। तुम्हारे लिए नए कपड़े लाई हूँ, मूर्ति की अलमारी में रखे हैं। नए कपड़े? मेरा बर्थडे थोड़ी ना। मूर्ति की बर्थडे विश थी, दोनों के लिए सेम ड्रेस मंगवाई है। प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ ना। जैसा आप कहें। एक बात और, ऊपर लॉकर में मूर्ति के पापा की दी हुई चेन रखी है, मूर्ति के लिए वो भी ले आओगी? जी बिल्कुल। प्लीज लॉकर कोड सेम एटीएम कोड। ओके ओके। ओके 1 2 3। ये कार ज्यादा सेफ रहेगी। भाई कार में नहीं, वहां पर सेफ रहेंगे। चलो बॉयज केयरफुल। दोनों हैंडसम लग रहे हो। ये पता है, तुम्हारे अंकल लक्ष्मी बॉम्ब को अपने हाथ से फोड़ रहे हैं। मेरे लड्डू बाबू, एक बॉम्ब क्या, चार लक्ष्मी बॉम्ब फोड़ सकते हैं। चार बॉम्ब एक साथ? हाँ, आ जाओ मूर्ति। नहीं मूर्ति, जाने दो मुझे। पकड़ो नाना, फोड़ो। सेफ। इडियट। मूर्ति तुमसे काफी क्लोज हो चुका है, थैंक्स फॉर बीइंग हिज फ्रेंड। इट्स माय प्लेजर। जब मेरे पास रहने को घर नहीं था, वो मुझे यहाँ लेकर आया और आपकी फैमिली का हिस्सा बनाया। दरअसल थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे मूर्ति जैसा दोस्त मिला। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे जैसा दोस्त मेरे बेटे को मिला, ये मूर्ति का लक है।